शांति। हम सभी ममा की स्मृति दिवस पर उनके आसपास के दिनों में हम सभी के मन में ममा के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, शिक्षाएं हैं, वो सब मन में बहुत श्रेष्ठ संकल्पों के रूप में आती हैं। बाप दादा ने हमको पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन ममा ने हमको शिक्षाएं दी। ममा ने ईश्वरीय ज्ञान जो हमें बाबा से मिला, ईश्वरीय ज्ञान को मनन चिंतन कर जीवन में धारण कर दूसरों को शिक्षाओं के रूप में दी। ममा पढ़ाती नहीं थी, ममा शिक्षा देती थी। बहुत ये जानना चाहते हैं कि ममा कैसे ममा बनी। तो ममा जब आई थी बाबा के पास तो 16 वर्ष की थी और उनका नाम राधे था, तो सभी उनको राधे राधे कहते थे। बहुत ही सुंदर तरीके से वो सितार बजाती थी। तो जब आई तो ओम की ध्वनि की बाबा के साथ साथ, क्योंकि बाबा शुरू में ओम ध्वनि करते थे, तो ममा की ओम ध्वनि सुनते सुनते सभी एकदम मग्न हो जाते थे। सबको बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही ममा के बाल लंबे थे, बहुत सूरत भी बहुत सुहावनी थी, और फिर सितार बजा के और ओम ध्वनि करती थी। तो बाबा ने उनको नाम दिया ओम राधे। तो ओम राधे, तो ममा सुनती रही अपना नाम ओम राधे, और फिर अंदर में मन में ओम राधे, मैं राधे हूं। तो ये जैसे ममा ने सुना मैं राधे हूं, दूसरे तो ओम राधे नाम की तरह से बुलाते थे, पर ममा में जैसे एक लक्ष्य बन गया अपना नाम सुनकर कि मुझे आई एम राधा, मैं राधा हूं, मैं राधे हूं। तो ये जो ममा में रियलाइजेशन आई, तो ममा ने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया और ममा ने उसी लक्ष्य के आधार पर पुरुषार्थ करना शुरू किया। तो हमेशा ममा के मन में ये रहता था कि बाबा ने ये यज्ञ रचा है तो मुझे इस यज्ञ की जिम्मेवारी हर प्रकार से उठानी है। जिस जिम्मेवारी में पहले तो हर एक के मन में ये आता है कि कारोबार, पर ममा के मन में ये था कि सबसे पहला यज्ञ के लिए जो मुख्य आधार है पालना के लिए, वो है योग बल। और ममा के लिए योग शब्द था नहीं। ममा तो कहती थी मुझे बाप की याद रहती है, भूलने की तो इसमें बात ही नहीं है। हम लोग कहते हैं कैसे याद करें, और ममा कहती थी मैं तो बाबा की याद में ही रहती हूँ। और ममा का याद जो थी वो सिर्फ निराकार शिव बाबा की नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप भी सामने ही थे। तो भी जैसे कहती थी कि अगर बाबा की श्रीमत की पालना कैसे करनी है, तो वो तो ब्रह्मा बाप को देख करके ही पता लगेगा ना, तो फॉलो किसको करना है। तो ममा हमेशा कहती थी कि फॉलो तो ब्रह्मा बाबा को करेंगे, शिव बाबा तो निराकार हैं, पर निराकार साकार में आकर के जो ज्ञान मिलता है उसको श्रेष्ठ कर्मों में, संकल्प और वचन में कैसे लाते हैं, वो तो ब्रह्मा बाबा को देख के सीखेंगे ना। तो जैसे कि ममा ने ये लक्ष्य रखे कि मुझे राइट हैंड बनकर बाबा के यज्ञ की पालना करनी है, और उसमें सबसे पहले मुझे खुद एक एग्जाम्पल बनना है, उदाहरण बनना है। ममा की जीवन में हमने कभी मेहनत नहीं देखी, कभी ऐसा नहीं लगा
खुशी मामा थकी हुई है, मेहनत कर रही है। जैसे यहाँ कहते हैं ना, मैं पुरुषार्थ में मेहनत कर रही हूँ। युद्ध का तो प्रश्न ही नहीं है, युद्ध तो मामा ने कभी ना अंदर ना बाहर, अंदर भी कोई युद्ध नहीं थी माया से, और जब अपने अंदर युद्ध नहीं है तो बाहर किसी से भी नहीं होगी, क्यों बाहर भी फिर उस तरह से ही सबके संगठन में संस्कार मिला के चला सकेंगे। तो मम्मा एक एग्जाम्पल थी हम सब के लिए। तो मम्मा ने सबसे पहले योग जो है उस पर बहुत अटेंशन दिया, अपना नियमित योग करती थी। अब योग में जैसे मैंने कहा ही नहीं कि उनको कनेक्शन चाहिए, परंतु याद में बैठना, मिलन मनाना, याद ही कहते थे ना उस टाइम पर। तो उस पर फिर एक बार मामा ने दो बातें मुझे बताई। मैं पहले पहले शुरू में 16 वर्ष की थी, तो गए मामा से जब मैं मिली, ये सहज राजयोग है, अगर तुम चाहती हो कि ये सहज मार्ग रहे आपके जीवन में, तो उसमें योग बल बहुत जरूरी है। तो उस पर मामा ने उदाहरण दिया कि ऐसे तो ये कांटों का जंगल है और पिछले कर्मों के विकर्मों के कई कांटे रास्ते में आएंगे, तो कांटे होंगे तो चुभेगा ना, लेकिन जितना जितना तुम याद में रहोगी, जितना जितना तुम योग युक्त रहोगी, तो मामा ने कहा कि ये कांटे गुलाब के फूल में बदल जाएंगे और तुमको ऐसा लगेगा कि तुम फूलों पर चल रही हो। ये बात पहली पहली मामा ने मुझे बताई, तब से लेके मेरा अपना भी जीवन में योग पर बहुत अटेंशन है कि अगर कोई भी कठिनाई आती है या सफलता कम होती है या जितनी उन्नति होनी चाहिए वो नहीं होती, उसका कारण है योग की कमी, याद की कमी। मुझे बहुत तब से लेकर के याद में रहना है, योग करना है कि बहुत लगन रहती थी। दूसरा मामा ने एक बात बताई उसी का उदाहरण के रूप में कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आप गाड़ी में हैं, स्पीड वाली गाड़ी में हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जैसे एक बहुत छोटा सा रास्ता है या एक छोटी सी पुल है, जब माउंट आबू जाते हैं तो एक छोटी सी पुल आती है, तो फिर क्या है, अगर आपके सामने आपके आगे गाड़ी के एक बैलगाड़ी आ जाए, है बैलगाड़ी, आप क्या करेंगे, बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलना पड़ेगा ना, उड़ के तो नहीं जा सकते, और रास्ता है नहीं, ना एक तरफ है लेफ्ट तरफ है ना राइट तरफ है। तो मामा कहती थी वो विघ्न हुआ ना कि आप तो तेज जाना चाहते पर ये बैलगाड़ी कैसे आगे तेज चलेगी। तो मामा कहती थी जिनके पास योग बल होता है उनके सामने कभी भी कोई इस तरह की रुकावट नहीं आती, जो आपको कोई और रास्ता है ही नहीं। जैसे ये दो बातें मुझे ध्यान पर आने से इतने वर्ष जो भी हुए मेरी जीवन और मेरी योगदान से यज्ञ भी निर्विघ्न चलता रहे। एक होता है अपने व्यवहार पर ध्यान देना, अपने संबंध पर ध्यान देना, और दूसरा पर मामा कहती थी कि यज्ञ में भी कोई विघ्न हमारे स्वभाव के कारण या किसी भी कारण से ना आए, न केवल मेरा लेकिन यज्ञ में भी कोई विघ्न ना आए, उसके लिए योग बल की बहुत आवश्यकता है। तो मम्मा ने एक सबसे पहला पाठ पक्का किया आज्ञाकारी बनने का, मुझे बाबा को कहना है जी हाँ हाँ जी, और वो इतना पक्का था मम्मा का पाठ कि कभी भी मम्मा के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि कैसे होगा, ना तो नहीं कहा लेकिन मन में आता है ना ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा।
मामा का निश्चय इतना 100% पक्का था, बाबा ने कहा तो होगा ही ना, जरूर होगा, मुझे करना है, मेरे को निमित्त बनना है, क्योंकि बाबा ने मुझे कहा मुझे निमित्त बनना है, समझा। तो इस तरह से मामा ने जो हमारे सामने एक उदाहरण रखा, तो कई लोग समझते हैं अगर हम हाँ जी कहते रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, तो हमारी बुद्धि का क्या, मुझे हाँ जी कहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मामा ने फॉलो करने के लिए हाँ जी कहा, पर कोई समय परिस्थिति है, अपनी जो जिम्मेवारी है, दूसरों की पालना के कारण जो भी जो आवश्यकताएं हैं, तो बुद्धि तो बहुत चलानी पड़ती है, उसमें जरूरत है। परंतु मामा की बुद्धि साधारण बुद्धि नहीं थी सबकी तरह से, परंतु जो ज्ञान बुद्धि में था, समझ थी, जो मैच्योरिटी थी मामा में छोटेपन से, तो निर्णय भी किया और एक मालिक बन के भी रही। जो आज्ञाकारी होता है, हाँ जी कहता है, उसमें संबंध में बहुत समीपता इसलिए होती है कि एक अधिकार सा लगता है। तो मामा, हम लोग भी जो इससे बाबा आपके ऊपर हक रखता है ना, इसलिए बाबा आपको ये कह रहा है, हक कहते थे उस समय पर, अभी अधिकार हिंदी में कहते हैं, तुम्हारा हक लगता है ना बाबा पर, इसलिए बाबा आपको ये सेवा दे रहा है। तो इतना अच्छा लगता है कि भगवान का मेरे ऊपर हक है, तो फिर मेरा हक भी भगवान पर हो जाएगा ना, ऐसे समीपता का इतना अच्छा संबंध हो जाता है जो हमने मामा के जीवन से सीखा। और उसके बाद फिर दादियें भी, दादी जान की हमेशा मेरे कंधे पे मोहिनी तुम्हारा मेरे तुम्हारे ऊपर मेरा हक है, मैं ये कह सकती हूँ तुम ये करो। मैं कई बार कहती थी ये तुमने किया नहीं है, तुमको आता नहीं है, का नहीं आएगा, तुम करो, आएगा जरूर आएगा, करो। तो मामा के उदाहरण से एक जीवन में हिम्मत आती है कि मामा ने भी हाँ जी जी हाँ कहा, जिससे बाबा को उनके ऊपर हक था, और उतनी ही उनको बाबा के द्वारा पालना भी मिलती रही। हर समय हम देखते थे, क्योंकि बाबा का इतना ही विश्वास मामा पर था, तो इसलिए बाबा पर पूरा निश्चय चाहिए, यज्ञ में भावना हो, और स्वयं हम ऐसे चले जो सबका विश्वास हो, विश्वास पात्र हो। ये मामा से मैंने लेसन सीखा कि योग का यज्ञ में दान करो, अर्थात निर्विघ्न रहे, आज्ञाकारी होकर के रहो, जैसे कि बाबा को ऐसा लगे कि मेरा इस बच्चे पर हक है, जैसे राइट हैंड कहते हैं। तो कोई भी कार्य होता है तो राइट हैंड अपने आप ही चलने लगता है ना, कार्य करने लगता है। उसके बाद हमने देखा कि मामा को सभी लोग सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती कहते थे, सरस्वती। तो मामा ने ज्ञान को इतनी मधुरता, इसलिए उनके हाथ में सितार दिखाते हैं ना, ज्ञान वीणा बजाई जैसे। तो ज्ञान की जो जो कहते हैं अमृत है, तो मामा को वो जैसे कि वो सुनाती थी, तो ऐसे प्रेम से सुनाती थी, ऐसा नहीं लगता है कि ज्ञान सुना रही थी, सुनने वाले ऐसे सुनते थे जैसे अमृत पी रहे हैं। क्योंकि देखो अभी हाँ, एक होता है लेक्चर करना, कोर्स कराना, पाठ पढ़ाना, और एक होता है भगवान से जो हमें समझ मिली है वो समझ हम आपको दे रहे हैं, तो एक शिक्षा का रूप हो जाता है। तो उससे सबकी भावना बैठती है, और भावना बनने से हम मामा को फिर आगे सभी जगत अम्बा है।
विश्व की माता है, क्योंकि हद नहीं थी मामा में। हम सभी बाबा के हैं, ये यज्ञ हम सभी का है, बाबा हम सभी के ही है, हम कहती थी मामा। मामा में कभी भी शिक्षा देते समय मैं आपको ये कह रही हूं करो। तो हम जैसे जब आए थे यंग, तो मेरे को तो कोई ऐसे कहे मैं कहूँ क्यों करूं, ये तो बाबा जो कहेगा मैं करूंगी ना। पर मामा हमेशा इसलिए कहती थी, देखो बाबा ऐसे कहता है करो, बाबा ने ये समझाया है करो, बाबा ने ये शिक्षा दी है करो। तो हमेशा बाबा शब्द कह के हमेशा समझाती थी। तो हमें भी इस बात से ये शिक्षा लेनी चाहिए मामा की कि ईश्वरी ज्ञान है और बाबा ये समझाते हैं। उसमें भी बाबा शब्द कहने से एक संबंध का बहुत भावना होती है। तो मामा को सभी सब कहने लगे जगत अम्बा सरस्वती। पहले सरस्वती ओम राधे से सरस्वती, सरस्वती से बनी वो जगत अम्बा। और जगत अम्बा से उसने बिल्कुल ही, जैसे सारे सब मेरे बच्चे हैं, मामा की आयु छोटी थी तो मामा के सामने उनसे भी बड़ी आयु वाले सब आते थे, पर वो लोग भी मामा कहते थे उनको। और मामा को भी संकोच नहीं होता था, आपको कोई छोटी आयु में कहे आप माँ हैं तो कैसा लगेगा। मामा एकदम मुस्कुराती थी क्योंकि बाबा ने उनको ये पाठ दिया, बाबा ने उनको निमित्त रखा। और मामा को सबसे ज्यादा संबंध, पहले पहले बाबा से संबंध, फिर आपसी में संबंध क्या होता है, उसकी मामा ने हम लोगों को बहुत शिक्षा दी कि हर एक का संस्कार है, हर एक का पाठ है, लेकिन कभी भी किसी से संस्कारों की टक्कर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि मामा एक जो कहते हैं ना शिव शक्ति का प्रैक्टिकल रूप थी, कि सर्वशक्ति ज्ञान बुद्धि में है और शक्ति व्यवहार में दिखाई देती है। जहां सैन शक्ति की जरूरत है, कहीं साइलेंस की जरूरत है, कहीं सत्यता की शक्ति की जरूरत है। तो जैसे जैसे ज्ञान की बुद्धि में धारणा होती है तो व्यवहार में संबंध में शक्तियों का प्रयोग होता है। तो मामा की जीवन से वो सर्व शक्तियां दिखाई पड़ती थी, इसलिए देवियों की कितने भुजाएं दिखाते हैं ना, अष्ट भुजा दिखाते हैं। तो मामा एक प्रैक्टिकल उसका एग्जाम्पल थी कि सर्वशक्तियां जैसे कार्य कर रही हैं, सब सर्वशक्तियां अपने जैसे कि हम मैं मालिक हूं, ऐसी मामा की पर्सनैलिटी थी। और मामा को इसके बाद कर्मों की गुह्य गति, तो मामा ने कर्मों की गुह्य गति बहुत अच्छी तरह से समझी और हमें समझाई। तो जो मैंने बताया कि हाँ जी भी करती थी पर अपने निर्णय शक्ति भी प्रयोग करती थी। अगर कुछ कार्य ऐसा हुआ, ऐसे तो बाबा कहता है कि बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो, रॉन्ग होगा तो मैं ठीक कर दूंगा, वो बात और होती है। लेकिन उसके बाद हमको जीवन में कई तरह से डायरेक्शन लेने पड़ते हैं। तो डायरेक्शन लेते हुए भी निर्णय शक्ति बहुत जरूरी है। तो इस पर एक उदाहरण मैं सुनाती हूँ कि मामा हमेशा कहती थी कि जो कर्म आपने किया उसकी जिम्मेवारी आपकी है। उस समय आप ये नहीं कह सकते क्योंकि उसने कहा तो मैंने किया, पर सहमति तो होती है ना अंदर में। तो उस पर एक बार मामा हमारे पास आई, सेंटर पर उद्घाटन था, बहुत सभा थी, 400-500 के करीब, 60s की बात कर रही हूँ, समय बहुत लोग नहीं आते थे ब्रह्मा कुमारियों के पास। तो भी हमारे परिवार की तरफ से निमंत्रण था, तो बहुत जान पहचान संबंध के लोग आए।
तो टोली बटी अंत में मामा गई, सबको संदेश सुनाया। तो फिर मामा ने मुझे रात को कमरे बुलाया, और ऐसे भी उन दिनों में नियम होता था कि प्रोग्राम पूरा होता था तो हम जो भी सीनियर होती थी वहां उनके कमरे में जाते थे। तो मामा ने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। ऐसे करते करते फिर मामा ने कहा टोली तो बहुत अच्छी थी। मैंने कहा अच्छी लगी मामा? हाँ। बोला पर थोड़ी महंगी थी। तो मैंने कहा कि हाँ महंगी तो थी। फिर ऐसे ही पूछा कि तुमने किससे पूछा था? हाँ, तो मैंने नाम नहीं, मैंने कहा हाँ हमारी जो दीदी है उनसे पूछा था। मामा ने कहा देखो अभी जनता है, अभी नए नए हैं, उनको अगर इस तरह की टोली खिलाएंगे तो उनको ये लगेगा कि अरे इनके पास तो बहुत पैसा है, कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं। तो जब सभा में टोली खिलाई जाती है तो लोक संग्रह अर्थ सोचना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है मामा। कहा देखो तुमने डिसाइड करके बनवाया ना, धन खर्च हुआ जो कुछ हुआ तो वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। उसके बाद जिम्मेवारी शब्द क्या होता है वो मुझे समझ आया कि निर्णय करके जिम्मेवारी फिर मेरी, फिर मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जिसने कहा उसकी जिम्मेवारी है, नहीं कर्म तो मैंने किया ना। जो भी हिसाब किताब बनेगा उसमें कितना धन लगा, ज्यादा लगा कम लगा, वो कर्मों का कितने संकल्प किसको चले, किसी के ज्यादा चल गए, वो सारा हिसाब किताब बनता है, वो तो फिर मेरे ऊपर आएगा ना। तब से हमेशा ध्यान रहता है, मामा कहती थी कि कोई भी आप कर्म करो दूसरों को व्यर्थ संकल्प न चले क्योंकि उसका बोझ भी तुम्हारे ऊपर है। तो मामा ने जैसे कर्मों की जो गुह्य गति है वो बहुत ध्यान पर दिलवाती थी हर बात के ऊपर। तो मामा की जो शिक्षाएं थी, शिक्षा शब्द कह रही हूँ, उससे सीखने को मिलता था और उसके साथ साथ जीवन में उदाहरण भी बनता था। और मामा जो थी, क्योंकि देखो पवित्रता मामा के जीवन में बहुत नेचुरल थी, जितनी याद नेचुरल थी प्योरिटी, तभी तो देखो माँ कहा तो उनको कोई आभास ही नहीं है, कोई पुरुष तन में है, कोई बहनों की बॉडी में है, भाई बहन है, पर मामा को कोई भान नहीं था कि ये कैसे तो भाई है। इतनी प्योरिटी थी मामा में, मन से तन से 100% प्योरिटी थी। और प्योरिटी से क्या होता है, ज्ञान की समझ, उसकी शक्तियां, पर जितनी पवित्रता है उतना प्रकृति भी सेवा करती है। उसमें कोई भी बाप, कोई भी यज्ञ के प्रति जो आवश्यकताएं होती थी, मामा जब भी कहीं दिल्ली जाती थी, जहां जहां से निमंत्रण मिलता था मामा जाती थी, तो उनको देखते ही सब में समर्पणता का भाव आता था। कभी भी मामा ये नहीं कहेगी यज्ञ के लिए क्या आवश्यकता है, तो सभी मामा बाप यज्ञ के लिए क्या आवश्यकता है वो पूछते थे। तो मामा मुस्कुराती थी, बोला आपको मालूम है ना आपके घर प्रवृत्ति में क्या आवश्यकता है, तो वही आवश्यकता यज्ञ की है। क्या चाहिए होता है यज्ञ में? रोटी कपड़ा। हाँ बाबा मकान बनाते हैं, कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, प्रवृत्ति में भी चाहिए, यज्ञ में भी चाहिए। तो जैसे सभी अपनी बहुत भावना से यज्ञ के प्रति देते थे, तो उसमें जैसे कि यज्ञ के लिए बहुत उन दिनों में खासकर जो भी यज्ञ की आवश्यकताएं थी वो पूरी होती थी। तो हम कहते थे मामा आप तो लक्ष्मी हो, लक्ष्मी हो, अर्थात एकदम जैसे कि हर तरह की संपन्नता, हर तरह के भी जो भी साधन थे वो यज्ञ के लिए उपलब्ध कराने के निमित्त बनती थी। तो इसीलिए ये भी भावना रहती हमेशा कि यज्ञ को सिर्फ ईश्वरी ज्ञान शिक्षाओं की नहीं, परंतु यज्ञ चलाने के जो हम निमित्त बनते हैं
और भी जिन साधनों की जरूरत है वो हमारी पवित्रता, योग बल, हमारी खुद की यज्ञ के प्रति भावना, उससे वो संग्रह जरूर होता है। मामा एक ऐसा एग्जाम्पल थी कि वो लक्ष्मी भी नहीं तो सरस्वती से जगत अम्बा बनी, दुर्गा बनी और काल को जीतने वाली भी, क्योंकि मामा का जब रथ पता था कि अभी इसके बाद कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो मामा इतनी निश्चिंत थी। मेरे को खुद बाबा को देख के कि बाबा को पता है कि 15 दिन में, 20 दिन में, इतने दिन में मुझे आत्मा को इस शरीर से जाना है। तो हमने एक बार बैठे थे और भी बड़ी बहनें, मामा आपको क्या क्या फीलिंग आ रही है, आपको कैसा लग रहा है? मामा ने एक शब्द कहा, ड्रामा। पर ऐसे ड्रामा नहीं कहा कि कोई दुख की लहर है, पर इतने उससे कहा, ये तो फिक्स है ड्रामा। तो इसका मतलब मामा ने एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाने दिया, तो काल पर जीत पा ली ना। काल का जीत का मतलब ये थोड़ी कि आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी, कई ऐसा समझते हैं कि इसको काल नहीं आएगा। काल तो आत्मा अजर अमर है ना, शरीर को तो एक दिन हाँ जाना ही है। तो मामा ने अपने संकल्पों के द्वारा काल को जीत लिया। काल के दो मतलब होते हैं, एक शरीर छोड़ना, दूसरा टाइम। और टाइम तो उसने कभी व्यर्थ, संकल्प क्या कभी 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं किया, तो वो काल पे जीत पे नहीं, तो काली का यादगार बन गया। ये सब यादगार जो बने हैं वो प्रैक्टिकल में मामा की जीवन थी। तो इसलिए मामा लक्ष्मी भी रही, काली भी बनी। तो मामा ने काल पर हर तरह से जीत पाई। कोई परिस्थिति आती है, काल समय ऐसा आता है, परिस्थिति आई पर आप उसमें पास विद ऑनर हो जाओ तो जीत पा ली ना। फिर ये कहेंगे कि मामा ने अपनी संपूर्ण स्थिति, संपन्न स्थिति को प्राप्त किया। कई ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या मामा परफेक्ट, मामा कर्मातीत हुई थी? तो कई बार मेरे पास उस समय उत्तर, आज मेरे पास इसका उत्तर है कि हाँ, क्योंकि मामा अंत तक मुरली ऐसे सुनती थी देखने के लिए कि क्या धारणा नहीं हुई है, क्या सेवा नहीं की है मैंने। जो भी शिक्षाएं हैं, तो मामा जैसे आज हमें से कई कई बार आप लोग तैयार हो, कोई कहते हैं बस अभी थोड़ा और पुरुषार्थ, थोड़ा और टाइम दे दो, अभी ये सेवा नहीं की, अभी तो और सेवा करनी है, पर मामा को ये संकल्प ही नहीं है कि मेरे को तो अभी थोड़ा और पुरुषार्थ करना है, मेरे को अभी ये सेवा नहीं की बाबा की। असंतुष्ट, पूरा अगर पुरुषार्थ नहीं होता है तो संतुष्टि नहीं होती। मामा को 100% संतुष्टि थी, उनको एक भी संकल्प नहीं आया कि पापा मैंने ये तो सेवा की नहीं, इसलिए आज मुझे जो सेवा मिली है मैं कर लूं, खुशी से करूं, मन को लगा के करूं, तो ये संतुष्टि रहेगी। नहीं तो हमेशा ये रहेगा कि अभी तो मेरा ठीक पुरुषार्थ नहीं, मुझे तो और योग करना है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इस घड़ी जो हमको अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति में रह के सब कुछ करे, तो संतुष्ट स्थिति जो थी मामा की, तो वो भी एक हम लोगों के लिए लेसन था कि देखो अभी जो समय मिला है हमको रोज का, उसमें हम अपना पुरुषार्थ इतना कंप्लीट करें, हर सेवा में हर तरह से इतने संतुष्ट रहें, उसी को संपन्न स्थिति कहेंगे, बाप समान स्थिति कहेंगे। तो मामा ने वो स्थिति प्राप्त की, और इसलिए मामा ने अंत तक जब समय आया
जो 24 तारीख को मॉर्निंग में 9 से 11 बजे तक मामा ने अंगूर और केला दिया, जो भी ब्राह्मण थे 500-600। शाम को 5 बजे मामा ने विदाई ली, लेकिन इतनी शांति से गई, मतलब कोई पीड़ा नहीं थी, कुछ नहीं था। तो शरीर का ये भी तो भान जीतने वाली बात है ना, तो इसलिए शरीर के भान को, इतना शरीरीपन की अवस्था को बनाया कि उनको शरीर का कष्ट भी विघ्न रूप नहीं बना। तो मामा की शिक्षाएं तो बहुत है विस्तार में, लेकिन फिर कभी अवसर मिलेगा तो और भी सुनाएंगे। ओम शांति।